मेरा नाम प्रशांत है और मेरा एज 30 है। मैं जब से 22nd एज का था तब से मुझे हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, और तब मैंने एक क्लिनिक विजिट किया था, उन्होंने मुझे PRP ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था। तो वो ट्रीटमेंट मैंने कुछ 6 महीने लिया। 6 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला, और वहाँ पे तभी ऐसा प्रोसीजर था कि आप जब ट्रीटमेंट चालू कर रहे हो तो आपको एक फुल पेमेंट करना है, और वो 6 मंथ्स का पेमेंट था। उसमें आपके सब मेडिसिन्स, पूरे ट्रीटमेंट के चार्जेस वो सारे कवर किए थे उन्होंने। तो वो 6 महीना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर मैंने मतलब इतना हेयर लॉस होते गया, फिर मैंने उसको इग्नोर ही करना चालू किया। फिर भी मैंने कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट्स लिए, एलोपैथी ट्रीटमेंट्स लिए, उनके भी मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मैंने पूरा होप ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि अभी जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने एक अभी 30 एज होने के बाद मेरा एक दोस्त है, वो एडॉन क्लिनिक आया था, उसने कुछ ट्रीटमेंट चालू किया था, तो उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आके विजिट तो कर ले, एक बार देख तो ले क्लिनिक क्या है करके। तो फिर मैं यहाँ पे एडॉन क्लिनिक आया। क्लिनिक आने से पहले मैंने यूट्यूब पे उनका जो चैनल था डॉक्टर का, वो मैंने देखा। वहाँ पे जाके विजिट किया तो मुझे पता चला कि डॉक्टर जिस लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, वो चीज़ें मुझे थोड़ी कन्विंसिंग लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई मार के देखे। तो मैं जनवरी 2020 में आया था ये क्लिनिक में। मैंने ट्रीटमेंट के लिए मतलब थोड़ा डॉक्टर ने मुझे पहले एग्जामिन किया और फिर बताया कि आप एक PRP ट्रीटमेंट ले सकते हो। फिर जब मैंने PRP ट्रीटमेंट सुना तो तब भी मेरे दिमाग में आया कि नहीं, वापस नहीं जाना। मैंने ऑलरेडी इतने पैसे मतलब PRP ट्रीटमेंट के लिए पे किए और कोई एक डॉक्टर आके मुझे वापस PRP ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा कि यार ये वर्थ नहीं है वापस इतना पैसा डालना। फिर मैंने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि एक बार करके तो देख ले, और यहाँ पे मुझे एक अच्छा ऑप्शन क्या लगा कि यहाँ पे मंथली पेमेंट था। तो डॉक्टर ने बोला था एक 2 महीना आप ट्रीटमेंट लेके देखो, अगर आपको सही नहीं लगता है, 2 महीने में आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है या फिर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, तो आप ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकते हो। तो जो यहाँ पे अभी मैं दो महीने के बाद ही मुझे थोड़े रिजल्ट्स दिखने चालू हुए, अभी ये 4 महीने हो गए। 4 महीने में मुझे इतना काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है यहाँ पे, और मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ। वो 4 महीने के रिजल्ट में ऐसा था कि अभी जो 4 महीने में मैंने जितना यहाँ पे किया है, और तभी 8 साल पहले मैंने जो एक क्लिनिक में पे किया था, उससे ये मतलब 1/3 अमाउंट में यहाँ पे 4 मंथ्स में मैंने पे किया है। और यहाँ का एक सबसे अच्छा मुझे लगा कि जो PRP होता है, वो PRP एक तो मैंने पहले लेने के लिए ना बोला था, फिर डॉक्टर ने मुझे यहाँ के PRP और वहाँ के PRP में डिफरेंस समझाया। यहाँ की मशीन्स जो यूज़ होती है PRP के लिए, जो ब्लड वगैरह सेंट्रीफ्यूज करने के लिए जो यूज़ होता है, कंप्रेसर वगैरह, तो वो सब के बारे में उन्होंने बताया कि ये इसमें क्या डिफरेंस है और पहले के इसमें क्या डिफरेंस था। तो वो मुझे ज़्यादा सही लगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो एक ट्राई देके देखते हैं कि 2-3 महीने में कितना रिजल्ट आता है। फिर अभी मतलब तब जब मैं ट्रीटमेंट चालू किया था तब ऑलमोस्ट मेरा 6th लेवल का मेल पैटर्न वर्डनेस था। फिर अभी जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ अभी 4 महीने में मुझे इतने काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, तो मतलब बोल सकते हो आप कि 6 से मैं 3rd या 4th ग्रेड तक आ गया हूँ अभी। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्लिनिक विजिट किए थे, तो वो क्लिनिक्स में मुझे सिर्फ सभी लोग यही सजेस्ट कर रहे थे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए, आप हेयर ट्रांसप्लांट के ही मतलब आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा और कोई ट्रीटमेंट से आपके बाल नहीं आ सकते। फिर मैंने यहाँ विजिट किया, उन्होंने बोला कि नहीं आप एक बार PRP लेके देखो, PRP का अपन रिजल्ट देखते हैं फिर अपन डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ मतलब क्या करना है करके। अभी मैं डॉक्टर के अपने यूट्यूब चैनल को तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ, तो मैं हर रोज़ देखते रहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ ये एरिया में ये हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर रिलेटेड चीज़ों में बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरे केस में तो ये मेरे लिए बहुत काम कर गया। अभी आपके केस में आपको डिसाइड करना है कि आपको और कितना वेट करना है या फिर आपको यहाँ पर ट्राई देके देखना, ये आपके ऊपर है। पर मैं मेरे रिजल्ट से काफ़ी हैप्पी हूँ और मैं तो यहाँ पे ही ट्रीटमेंट अभी चालू है ही मेरा, 4 महीने हो गए। पर और आगे डॉक्टर्स ने मुझे कुछ और चीज़ें बताई है कि इस रिजल्ट्स को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो वो भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो ऑल द बेस्ट। प्रशांत के अगर रिजल्ट की बात करें तो आज से 8 साल पहले उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आना चाहिए था PRP से, जो कि नहीं आया। और अब जब उनका हेयर लॉस का ग्रेड
6 हो गया और अब हमने PRP किया तो रिजल्ट आया। रिजल्ट आने का चांस 22 साल में ज्यादा था ना कि 30 साल में, बट ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे तीन रीजन है। एड ऑन में पहला एड ऑन का जो मेथोडोलॉजी है PRP करने का वो इम्पोर्टेंट है। एक PRP करते हैं उसके बाद तीन डर्मा रोलर करते हैं और PRP के साथ भी डर्मा रोलर करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जब हम PRP के बाद डर्मा रोलर करते हैं तो PRP एक्टिवेट होता है और रिजल्ट ज्यादा आने का चांस होता है। पहला है तो हमारा है मेथड, दूसरा हमारा मशीन जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, एक हाई एंड मशीन है जिसमें PRP प्रिपरेशन करने के लिए पहले टेम्परेचर को हम 22 डिग्री पर लाते हैं उस चैम्बर का जिसमें PRP प्रिपेयर होता है और उसके बाद PRP एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो PRP का एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा ट्यूब जो हम USA इंपोर्ट करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर मिलाकर अगर आप कंपैरिजन करेंगे किसी भी क्लिनिक से तो आप देखेंगे कि एड ऑन का PRP सुपीरियर है। सो अगर आप बेटर PRP के लिए देख रहे हैं सो एड ऑन इज द बेस्ट चॉइस। थैंक यू।